राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री गोविंद राम ने शनिवार को करवा चौथ व्रत पर विवादित बयान देकर बवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने राजधानी जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भारत की महिलाएं अभी भी छलनी से देखती हैं और करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना भी करती हैं, जबकि विकसित देशों में महिलाएँ चांद पर जा रही हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद विपक्षी दल बीजेपी ने गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी ने मंत्री से माफी मांगने की बात कही है और मुख्यमंत्री गहलोत से उनके सहयोगी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। चाइना के अंदर 80% महिलाएं, हमारे अमेरिका में 50% महिलाएं काम करती है, इसलिए वो देश विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे करवा चौथ पर महिला वो चालनी देखती है, पति की उम्र लंबी करने की बात करती है, लेकिन पति कभी भी पत्नी की उम्र के लिए चालनी नहीं देखता। लोग अंधविश्वास में डाल रहे हैं, लोग धर्म और जाति के नाम पे लड़ा रहे हैं। चाइना के अंदर 80% महिलाएं, हमारे अमेरिका में 50% महिलाएं काम करती है, इसलिए वो देश विज्ञान की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी हमारे करवा चौथ पर महिला वो चालनी देखती है, पति की उम्र लंबी करने की बात करती है, लेकिन पति कभी भी पत्नी की उम्र के लिए चालनी।